हे गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक डस्टबिन। जो हम डस्टबिन बनाने वाला है, इस डस्टबिन के बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो आप लोग पहले देख लो। सो फर्स्ट यहाँ पे ये देखो एक डार्क फैंटेसी का बॉक्स है जो कि कुछ ऐसे टाइप से, ये देखो ओपन एंड क्लोज होता है, वो नॉर्मल वाला पैकेट नहीं है। ये देखो ये ऐसे होता है। सो ये वाला एक बॉक्स चाहिए आपको। चाहिए एक सीजर, टेप, सेलो टेप, थ्रेड चाहिए आपको, एक फेविकॉल ग्लू, एंड यहाँ पे देखो एक स्टिक है, और मैंने यहाँ पे दो कलरफुल चार्ट पेपर्स लिए हुए हैं। सो मैंने ब्लैक और येलो लिया है। अगर आपको कोई और कलर पसंद आता है तो और कुछ और कलर ले लेना। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद यू। अपने ये जो डार्क फैंटेसी का बॉक्स है ये हम इसको खाली कर लेते हैं पहले। सो यहाँ पे कुछ डार्क फैंटेसी बिस्किट्स है तो हम इसको निकाल के साइड में रख देंगे। ये देखो सो हम इसको साइड में रखते हैं एंड वीडियो स्टार्ट। हम एक पेंसिल लेंगे एंड उसकी हेल्प से, ये देखो ये फ्रंट साइड है एंड ये बैक साइड है। सो इस ये जो साइड है हम यहाँ पे एक छोटा सा एक राउंड शेप बनाएंगे एंड देन इससे करके उसके एक छोटा सा बनाएंगे, तो देख सकते हो आप। एंड अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको सीजर से छेद कर देंगे, एक होल बना देंगे छोटा सा। सो आप एक होल बना लेना, होल बना लेना है। एंड होल बनाते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे सीजर्स, कटर या फिर जो भी चीज़ है उससे यूज़ कर रहे हो अगर आप, तो आप लोग अपने बड़े की हेल्प लेना, क्योंकि अकेले अगर करने जाओगे तो हाथ भी कट सकता है। सो डोंट डू दैट एट होम। तो एडल्ट की हेल्प लेना है आपको इस चीज़ में। एंड नेक्स्ट स्टेप करने के बाद हमें चाहिए एक थ्रेड। सो इस थ्रेड को हम पहले काटने वाले हैं। हम इसको ऐसा मतलब लेंथ में काटेंगे कि ये जो थ्रेड है ये एकदम यहाँ तक पहुँच पाए, बैक साइड ही एकदम फ्रंट साइड के यहाँ तक पहुँच पाए। सो ऐसा करके हम इसको काट नॉट बना लेना है। ऐसे को मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे करके इस थ्रेड के साइज़ के हिसाब से आपको एक नॉट बना लेना है। ये देखो ये थ्रेड को मैं बांधते मतलब नॉट बनाते बनाते इसको आप देखो मैंने ना मोटा करके, अरे रुको ये देखो रुको मैं आपको दिखाती हूँ, इतना मोटा करके मैंने यहाँ पे नॉट बना दिया है। सो आप भी ऐसे करके नॉट बना देना। एंड उसके बाद अब इसको इसके अंदर से जो रस्सी है इसके अंदर से घुसाओ। सो होल के अंदर से हमने बस इस थ्रेड को ऐसे घुसा दिया है एंड ये थ्रेड आते 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 इस साइड के फ्रंट तक आपको फिर अंदर घुसाया था। तो आपको इससे क्या करना है, मैं आपको जो छोटू सा नॉट है इसके अंदर आ जाए। आपको एक और चीज़ चाहिए होगा इसको कवर करने के लिए, जो कि है ऐसा एक वाइट मोटा कलर का पेपर। ऐसे करके आप इसको ऐसे चिपका देना ताकि ये जो नॉट है ये बाहर निकल के ना आ सके एंड आप इसको इजीली ऐसे खींच पाओ। सो ऐसे करके आपको इसको लगा देना होगा। जब आप इसको ऐसे करके लगा दो तो नाउ इसको हम ड्राई होने के लिए 10 मिनट तक रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से अंदर से सूख जाए एंड ये चिपक जाए। सो वेट फॉर 10 से 15 मिनट। सूखने के बाद ये देखो बहुत अच्छी तरीके से ये ड्राई हो चुका है। जो थ्रेड हमने लगाया था उसको आप खींच के देखो एक बार। ये देखो ये डस्टबिन ओपन एंड क्लोज हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे। तो मैं इसको ये देखो ओपन हो रहा है, इसको क्लोज करके लुक एट दिस ओपन हो रहा है ना। सो अभी हम क्या करेंगे ये देखो। सो अभी ये ड्राई हो चुका है। सो इसके बाद का जो स्टेप है वो इसको कलरफुल चार्ट पेपर से हम इसको मतलब फुल यहाँ पे हम कलरफुल चार्ट पेपर लगाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। सो ये देखो हमने अपने बॉक्स को कम्प्लीटली कवर कर दिया है ब्लैक कलर शीट से एंड इसके ऊपर हम कुछ मतलब नॉर्मल डिज़ाइन बनाएंगे इस येलो कलर चार्ट पेपर के हेल्प से। सो देखते हैं क्या क्या डिज़ाइन हम बनाते हैं। येलो कलर के चार्ट पेपर से हम इसके आँखें, नोज एंड लिप्स बनाते हैं। सो देखने में ज़्यादा क्यूट लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट।
अभी आप देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है। सो मैंने यहाँ पे एक स्माइली सा क्यूट सा एकदम फेस बना दिया है डस्टबिन के ऊपर, क्योंकि यार ज़्यादा ब्लैक दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सो यहाँ पे मैंने दो आईज बनाए येलो कलर के चार्ट पेपर से बाहर से, एंड अंदर में ब्लैक कलर का दिया हुआ है, एक नोज एंड लिप्स। सो एंड अगर आप चाहे तो कुछ और डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि यार यहाँ पे हम एक और सर्कल बना देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो चलो सर्कल बना देते हैं। यहाँ पे एक स्माइली बना दिया हुआ है। सो ये जो स्माइली का जो बचा हुआ पीस है इससे हम क्या करते हैं वो देखो आप। सो गाइस जो बचा हुआ पीस हमारा निकला था वो येलो कलर के पेपर से, सो हम इसको फर्स्ट हाफ फोल्ड करेंगे और इस हाफ को हम एक और हाफ में फोल्ड कर देंगे। सो ये हो गया। सो अभी हम इसको कर ये देखो यहाँ पे हमने हमारा छोटा सा क्यूट से फ्लावर बना दिया है। सो अभी हम इसको यहाँ से चिपका देंगे कुछ। सो गाइस अभी हमने इसको चिपका दिया है। सो लगभग हमारा जो डस्टबिन है वो कंप्लीट हो चुका है, हमने पेपर भी लगा दिया है, एंड जो थ्रेड हमने चिपकाया था पीछे से वो ये देखो ये रहा। सो इसको हम क्या करेंगे वो मैं आपको, हमारा डस्टबिन जो कि डार्क फैंटेसी से पैक से हमने बनाया है वो कंप्लीट हो चुका है। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये खुलेगा कैसे। सो फर्स्ट आप इसको ऐसा खींचो, देन ये देखो ये ओपन हो जाता है, एंड देन आप इसके अंदर जो आपके बिस्किट्स है वो ऐसे ऐसे रख सकते हो, ये देखो। कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो, इस वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिल पाओगे, उसके साथ में जो बेल आइकन उसको बहुत जल्द दबा देना ताकि आपको पता चल जाए कि मेरे न्यू वीडियो कब तक आ रहे हैं। एंड गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होगा। तब तक के लिए बाय बाय।